हेलो एवरीवन, नमस्ते. आई एम सरिता चांडक पचीसे. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अ फ्यू फ्रेजल वर्ब्स. व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स एंड व्हाई डू वी नीड टू लर्न देम? फ्रेजल वर्ब्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्मॉल वर्ब एंड प्रेपोजिशन. एंड व्हाई डू वी नीड टू लर्न देम? बिकॉज नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दे डू फ्रीक्वेंटली यूज दीज वर्ब्स इन देयर कम्युनिकेशन. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट वन इज कटिंग. कट इन, कटिंग का मतलब होता है टोकना, इंटरप्ट करना किसी को बातचीत के दौरान. टोकने के लिए वर्ड होता है कट इन. लास्ट नाइट आई वॉज डिस्कसिंग विद माई फादर समथिंग वेरी सीरियस एंड माई नीस कट इन. माई नीस कट इन, कट इन का मतलब टोकना. मैंने एक लिस्ट बनाई है 6 फ्रेजल वर्ब्स की. वी आर गोइंग टू डिस्कस देम ओनली. द सेकेंड वन इज हैंग आउट. हैंग आउट का मतलब वैसे तो बाहर घूमने जाना भी होता है, और हैंग आउट का दूसरा मतलब होता है धुले हुए कपड़ों को सुखाना, धुले हुए कपड़ों को बाहर ड्राई करने के लिए रखना. तो जैसे माई जॉब वॉज एट माई इन लॉज प्लेस वॉज टू हैंग आउट द वॉशिंग्स. हैंग आउट द वॉशिंग्स, वॉशिंग्स का मतलब धुले हुए कपड़े. नेक्स्ट है टर्न डाउन. टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना. टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट करना. लास्ट मंथ one of my knowns, he gave me proposal of opening a school together in partnership. I simply turned down his proposal. Turn down का मतलब होता है reject करना. Why did he turn down your invitation? उसने आपका invitation reject क्यों किया? तो turn down means reject करना. Next word is drive off. Drive off का मतलब होता है अपना vehicle या गाड़ी start करके रवाना होना. गाड़ी start करके रवाना होने की उस position को हम कहते हैं drive off. Yesterday at 10 o'clock, I was about to drive off, but that time my guest arrived. Some of my guests arrived. So, I was about to drive off when my guest arrived. Next hai burst out. Burst out ka matlab hota hai achanak se bhavavesh mein kuch bol dena. Jaise, enough is enough. I said to my husband, enough is enough, I can't stand it anymore. So I burst out that I can't stand it anymore. I burst out and I said I can't stand it anymore. So phrasal verbs ko yaad kare. Phrasal verbs agar aap use karte hain to aap apne conversation ko impressive bana sakte hain aur aap khud isse bahut zyada gyani dikhenge. Thank you.